पहाड़ों से दिखते सौंदर्यपूर्ण नज़ारे कितना आकर्षित करती है ना। जी चाहता है कि इस दुनिया में ही विलीन हो जाएं। ठीक ऐसे ही रोमांचक सफ़र पर आज हम आपको लेकर चलेंगे, एक शांति प्रिय सफ़र जो आपके मन को रोज़मर्रा की चिंता से मुक्त कर देगा, जहां बस सुकून ही सुकून है, शहर के शोर शराबा से दूर, घंटों ट्रैफिक में गाड़ियों के तेज और अनवांछित शोरगुल से दूर, ज़मीन से सैकड़ों मीटर ऊपर गुड़पा पहाड़ी। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म की संस्कृति की झलक आपको मोहित कर देगा। कुछ ऐसा ही है गुड़पा हिल के शिखर पर स्थित हिंदू और बौद्ध मंदिर, जो सैकड़ों वर्षों से प्रेम और विश्वास का अलख जगा रहा है। इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए चढ़ी गई 1680 सीढ़ियों की थकान ऊपर पहुंचने के बाद पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पहुंचने के बाद जो अपने चारों तरफ का जो नज़ारा होगा वो अद्भुत अविश्वसनीय होगा, जिसे देखने मात्र से आपकी थकान कम हो जाएगी। मठ और मंदिर की सैर करके आप अपनी आध्यात्मिकता को चरम सीमा तक ले जा पाएंगे। अगर आप रोमांचक सफ़र के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ का सफ़र अच्छा विकल्प हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार में आज हम चलेंगे गुड़पा हिल्स के रोमांचक सफ़र पर। प्राकृतिक नज़ारे, जंगल, झरने, सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे, इन सभी ने गुड़पा पहाड़ी को पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर बनाया है। गुड़पा हिल्स या गुरुपदगिरी बिहार के गया जिले में स्थित प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। गुड़पा हिल्स को एक पवित्र पर्वत शिखर माना जाता है। यह पहाड़ी कुकुटपदगिरी और गुरुपदा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुड़पा नाम के एक गांव में स्थित है। गया जिला से 34 किलोमीटर दूर गुड़पा हिल स्टेशन के पास है। गुड़पा चोटी के ऊपर एक स्तूप और एक मंदिर है। यह जगह ना बल्कि देखने में आकर्षक है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही है। कहा जाता है कि यहीं बुद्ध के अंतिम शिष्य महाकश्यपा ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले हम आपको पहाड़ी के शिखर पर ले चलेंगे जहां मंदिर और स्तूप मौजूद है। शिखर पर पहुंचने वाले रास्ते आपको बेहद रोमांचित करेंगे। गुड़पा गांव में स्थित यह पहाड़ी चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा है। चोटी यानी शिखर के रास्ते में भारी ट्रैक, लगभग 1680 सीढ़ियां चढ़ना, चट्टानों के बीच संकीर्ण रास्ते मिलेंगे। यहां आपको एक गुफा भी मिलेगा, बड़े बड़े चट्टानों से बना यह गुफा, जिसके बीच से एक संकीर्ण रास्ता गया है जो काफ़ी पतला है, इसे आपको पार करना होगा। हालांकि इस संकीर्ण रास्ते में भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये ट्रिप आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि चोटी पर चढ़ने में यहाँ की 1680 सीढ़ियाँ आपके बॉडी को चैलेंज करने वाली है। यह लोकेशन वाकई में एडवेंचर टूरिज्म को लेकर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। चोटी पर पहुंचने के बाद आसपास के ग्रामीण इलाकों का मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। यह ध्यान साधना के लिए एक आदर्श स्थान है। इस पहाड़ी पर आपको हिंदू और बौद्ध धर्म का समामेलन देखने को मिलेगा। जब आप इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद शिखर पर पहुंचेंगे, वहां गुरुपद नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। इस स्थान का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी महाकश्यपा ने लंबे समय तक पहाड़ी पर ध्यान लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब महाकश्यपा अपने जीवन के अंतिम क्षण में जा रहे थे, तो वो गुड़पा हिल्स के शिखर पर चढ़ गए और रास्ते में आने वाली विशाल चट्टानों पर प्रहार करते हुए आगे जाने के लिए एक रास्ता बनाया। यही वो रास्ता था। इसके बाद वो इस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गए, जहां उन्होंने ध्यान किया। ऐसा माना जाता है कि महाकश्यपा को अभी भी भविष्य में बुद्ध के आगमन का इंतज़ार है, और वो अभी भी उसी चोटी पर भगवान बुद्ध का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद इस जगह को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां आप जा सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। यहां आप थेरा गाथा से महाकश्यपा के सुंदर और विचारोत्तेजक ओड टू द माउंटेन को पढ़ सकते हैं, और उसे प्रतिबिंबित करने के लिए यह एक अद्भुत जगह है। गुड़पा और उसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेर महाकश्यपा वेड्स भी पढ़ सकते हैं। आपको बताते चले कि चीन के पास गुड़पा पहाड़ियों से प्रेरित यूनान में जीजू पर्वत पर कुकुटापाड़ा भी है।
इसकी उपस्थिति के कारण इसे चिकन फूट पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो गुरपा के समान है। वहीं फाहियान के ग्रंथों के अनुसार भारत की लंबी तीर्थ यात्रा से बचने के लिए बुद्ध के नाम पर एक समान पहचान वाली पहाड़ी पर ऐसे तीर्थ स्थल चीन में बनाए गए हैं। यह 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, जब चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भक्तों के बीच कुकुट पदगिरी लोकप्रिय हो गया था। सालों भर यहाँ पर्यटक इस जगह पर आते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ठंड के दिनों में यहाँ जाना ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि ठंड के दिनों में चढ़ाई करना बेस्ट होगा। यह स्थान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के तीर्थयात्रियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। आप भी किसी ऐसे ही रोमांचक सफ़र पर निकलना चाहते हैं तो गुरपा स्टेशन हिल अवश्य पहुँचें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।